आप नेता ने नाम लिए बगैर पीएम पर साधा निशाना, बोली जब बीजेपी नेता अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताया था, उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन यह मामला अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी सियासी विवाद का अखाड़ा बन गया है। गुरुवार को एक टीवी डिबेट के दौरान आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता ने बीजेपी पर इस मामले को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के बड़ी लीडर महिलाओं के खिलाफ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड दीदी ओह दीदी और न जाने कैसी कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभी तक बीजेपी नेतृत्व अपने इन नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं किया। जब बीजेपी के नेता किसी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वो उनके प्रवक्ताओं और नेताओं को लगता है कि ये सब सामान्य है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने पर शीर्ष नेता से इनाम मिल सकता है। उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा मानसून सत्र के दौरान गाली गलौज करने के बावजूद क्या पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या रमेश बिधूड़ी को कोई सजा मिली? बीजेपी खुद क्यों नहीं करती कार्रवाई? उन्होंने कहा कि जो भी पब्लिक लाइफ में होते हैं, जो लोग राजनीति में होते हैं, उन्हें बोलने का स्तर उच्च स्तर का रखना चाहिए, भाषाई मर्यादाओं को सबसे ज्यादा पालन करना। अभी तक बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह जवाब नहीं दिया कि बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता इसके उलट यह सोचते हैं कि जब हम विरोधी दलों के नेताओं को गाली देंगे, उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अपने नेतृत्व के नजर में आएंगे, तभी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अगर ऐसा नहीं तो पार्टी ऐसे नेताओं को निष्कासित क्यों नहीं करती? राहुल गांधी ने पीएम को कहा था पनौती। बता दें कि राहुल गांधी ने दो दिन पहले राजस्थान में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैच के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ी सही खेल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद टीम मैच हार गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पनौती हैं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया, लेकिन टीवी वाले यह नहीं कहेंगे पर देश की जनता सब जानती है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।